प्रदेश भर के शराब व्यापारियों ने अब राज्य सरकार से नाराज होकर अपनाई गई आबकारी नीति में बदलाव और छूट की मांग करना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के तमाम शराब व्यापारी जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए लामबंद होना शुरू हो गए हैं। शराब व्यापारियों ने राज्य सरकार की नई आबकारी नीति पर रोष व्यक्त करते हुए इसमें बदलाव की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर शराब व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी है। राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा के मुताबिक पिछले 3 महीनों से प्रदेश के सभी ठेकेदार जिला मुख्यालय पर आबकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया है। मांग नहीं माने जाने पर तमाम व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसमें हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि जो आबकारी नीति 2021-22 बनाई गई है वो पूर्ण रूप से शराब व्यवसायों के विरुद्ध है। इसमें इन्होंने कंपोजिट फीस लगा दी, इन्होंने BLF हमारे ऊपर थोप दी गई है, समय समय पर राइडर लगा देते हैं। कोरोना काल का समय था, अप्रैल से लेके सितंबर तक जो बकाया है वो बहुत लोगों की बिक्रियां नहीं आ रही थी, उसमें बकाया रह गई है, वो हम पे थोप दी गई है। हमको किसी प्रकार की छूट नहीं दे रही हैं सरकार हमारी। हम बार बार सरकार के पास जाते हैं, हमारी कोई समस्या सुन नहीं पा रहे हैं। तो अभी पहले तो ये सब जिला स्तर पर अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज हमने पूरे राजस्थान के सभी जिलों के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया है और ये एक मीटिंग रखी है ताकि हमारी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से ये बहरी सरकार सुन सके और इस पर कोई निर्णय ले सके। हम जब तक हम बार बार कह रहे हैं सरकार को, शराब व्यवसायी मर गया है, उसके व्यापार ख़त्म हो गया है, उसके घर बिकने की मोहब्बत आ गई है, मगर ये सरकार ये है जो इनके कानों में रूह नहीं रेंग रही है और कोई भी निर्णय नहीं ले रही है हमारे लिए।